फर्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है वह सैंतीस डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है तो मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या जो है छियालीस होती है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है तो राष्ट्रपति को जो है लोकसभा में केवल दो सदस्य को जो है मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा भंग कौन कर सकता है तो लोकसभा का जो है सिर्फ राष्ट्रपति ही जो है भंग कर सकता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा जिला कौन है तो भारत का सबसे छोटा ज़िला जो है कच्छ है जो कि राजस्थान में स्थित है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है तो सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश जो है वह इंडोनेशिया है यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है मुस्लिम लोग निवास करते हैं तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोभी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है तो गोभी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया में स्थित है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है तो रिंग शब्द का प्रयोग जो है यह बॉक्सिंग में किया जाता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लावनी वो तमाशा कहाँ का मुख्य नृत्य है तो लावनी वो तमाशा जो है यह महाराष्ट्र का जो है लोक नृत्य है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा किस प्रकार की होती है तो घर्षण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो है यह तापीय ऊर्जा होती है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई जो है यह हजड है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्राचीनतम तेल भंडार कौन है या कहाँ पर स्थित है तो भारत का प्राचीनतम तेल भंडार जो है यह डिगबोई में स्थित है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है यह नई दिल्ली में स्थित है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है तो निम्नलिखित में से जो है प्लेग बीमारी को जो है काली मौत के नाम से जो है जाना जाता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है शक्ति स्थल कहलाता है जो नई दिल्ली में स्थित है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध खजुराहो किस मंदिर किस राज्य में स्थित है तो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है तो रेबीज नामक बीमारी जो है कुत्ता के काटने से होता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे तो ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह थे भानु अथैया तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट देखेंगे और यह हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है यह अप्सरा है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है तो यूनिसेफ दिवस जो है प्रतिवर्ष ग्यारह दिसंबर को मनाया जाता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे उनका नाम था जे पी कृपलानी तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देव राय किसके समकालीन थे तो देव राय जो है बाबर के समकालीन थे तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है तो चीन का राष्ट्रीय खेल जो है टेबल टेनिस होता है तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर टेबल है टेनिस छूट गया है तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वह है टेबल टेनिस तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है तो भारत में बीबी का मकबरा जो है यह महाराष्ट्र राज्य में जो है स्थित है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस किसके संबंधित है तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद से जी से संबंधित है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ तो अर्जुन पुरस्कार जो है यह 1961 सौ ईस्वी से जो है देना शुरू हुआ तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है तो डबल फॉल्ट का संबंध जो है या टेनिस खेल से है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है तो निम्नलिखित में से जो है विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी भारत के किस राज्य को कहा जाता है तो फूलों की घाटी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है वह काली मिट्टी है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का शेक्स पीरियड किसे कहा जाता है तो भारत का शेक्स पीरियड जो है कालीदास जी को कहा जाता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस जो है दस अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में जो है मतलब राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस होता है यह जो है चौदह सितंबर को मनाया जाता है तो इसे भी आप याद कर लेंगे लेकिन विश्व हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष दस अक्टूबर को मनाया जाता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है तो सर्वदाता रक्त समूह जो है उस वह ओ है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है मानसीराम में होती है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है नागर शैली का उदाहरण है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो अठहत्तर था है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष बाईस अप्रैल को मनाया जाता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तरित चालक का आविष्कार किसने किया था तो तरित चालक का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का कर मत दो तीन का कथन था सॉरी कर मत दो किन का कथन था तो कर मत दो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन था तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो था वह मोहम्मद बिन कासिब था तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नटराज की मूर्तियाँ किस काल की है तो नटराज की मूर्तिया जो है यह चोल काल की है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलीपुत्रा की स्थापना किसने की थी तो पाटलीपुत्रा की स्थापना जो है उदयन ने किया था तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की डालिया किस राज्य को कहा जाता है तो धान की डालिया जो है छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद को गीतों के रूप में गाया जाता है तो निम्नलिखित में से जो है शाम वेद को जो है गीतों के रूप में जो है गाया जाता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में जो कुल न्यायाधीशों की संख्या जो है वह पंद्रह होती है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह न्यूयॉर्क में स्थित है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन है तो विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है वह अल अजीजिया है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला जो थी वह इंदिरा गांधी थी तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था तो जम्मू कश्मीर का संविधान जो है छब्बीस नवम्बर उन्नीस ईस्वी को लागू हुआ था तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो है उपराष्ट्रपति बुला सकता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के परिणाम बीते एक घंटा का काल क्या कहलाता है तो संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के बीते एक घंटा का काल जो है वह प्रश्न काल कहलाता का है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में गलती को क्या कहा जाता है तो कंप्यूटर में गलती को जो है बग कहा जाता है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला बैंक कौन था तो भारत का पहला बैंक जो है वह हिंदुस्तान बैंक था तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के गुरु कौन थे औरंगजेब के गुरु जो थे वह फैजी थे तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो थी वह निर्जा भनोट थी तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झूम खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है तो झूम खेती के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है वह नागालैंड है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 सौ ईस्वी में हुआ था तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नौका दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है नौका दौड़ जो है यह केरल राज्य का जो है लोकप्रिय खेल है तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था तो गरीबी हटाओ का नारा जो है यह पंचम पंचवर्षीय योजना में दिया गया था तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी है